सो गाइस, जब से नया अपडेट आया है आप लोगों को तो पता ही होगा कि अगर कोई भी आधार कार्ड के जरिए पैसे निकालता है यानी अंगूठा लगा करके तो ₹20 पर ट्रांजेक्शन कटेंगे प्लस GST अलग से देना पड़ेगा। और जो CSP संचालक है उसको तो कमीशन भाई चाहिए ही चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि जो कंपनी कमीशन देती है उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि किन किन बैंकों का अगर पैसा निकालते हैं आधार कार्ड के जरिए तो यहाँ पर पैसा कटने वाला है ₹20, और किन बैंकों का नहीं कटेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यार कि किन बैंकों का कटेगा। तो देखो, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिनका अगर आप लोग आधार कार्ड के जरिए पैसे निकालते हो तो आप तो कस्टमर के अकाउंट से ₹20 कटेगा या प्लस ₹3 के आसपास GST कटेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे भी बैंक हैं जिनमें पैसा नहीं कटेगा, तो वो किस टाइप के बैंक हैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो है गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूं क्योंकि देखिए यार, बहुत सारे मेरे CSP भाई लोग हैं जो कि अब ट्रांजेक्शन पर रोक दिए हैं। वो लोग कस्टमर को ये बता देते हैं कि कस्टमर के अकाउंट से ₹20 अलग से कटेगा, तो वो लोग पैसा नहीं निकलवा रहे हैं। तो वैसे में CSP संचालक लोगों को ये पता होना चाहिए कि किन बैंकों का पैसा कट रहा, किन बैंकों में मतलब पैसा कट रहा है आधार कार्ड से पैसा निकालने पर और किन बैंकों में नहीं कट रहा है। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी बैंक हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में चाहे पोस्ट ऑफिस बैंक हो, स्टेट बैंक हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, ठीक है, इन सभी बैंकों में अगर कोई भी कस्टमर अगर उनका अकाउंट है और आधार कार्ड के जरिए APS के जरिए अगर पैसा निकालता है तो गाइस एक ट्रांजेक्शन का ₹20 कटेंगे प्लस ₹3 अलग से GST देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब किन बैंकों का पैसा नहीं कट रहा है। तो देखो, जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, ठीक है, और जो स्पेशल पेमेंट्स बैंक हैं, ठीक है, पेमेंट्स बैंक में अगर कस्टमर का अकाउंट है और उस अकाउंट से अगर वो आधार कार्ड के जरिए पैसा निकालता है तो उन लोगों का पैसा यहाँ पर नहीं कटने वाला है। पेमेंट्स बैंक में कुछ बैंक आते हैं जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, ठीक है, जितने भी पेमेंट बैंक हैं अगर कस्टमर का इनमें अकाउंट है, वो लोग आधार कार्ड के जरिए पैसा निकालते हैं तो यहाँ पर कस्टमर के अकाउंट से ₹20 और प्लस ₹3 का GST यहाँ पर नहीं कटने वाला है। ठीक है, बाकी अदर बैंक हो गए जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, HDFC हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, तो इन सभी में अगर कस्टमर पैसा निकालता है तो यहाँ पर कस्टमर के अकाउंट से ₹20 पैसे कटने वाले हैं। और देखिए, पेमेंट बैंक के साथ साथ जितने भी लगभग ग्रामीण बैंक हैं, ठीक है, ग्रामीण बैंक हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक स्पॉन्सर करते हैं उन सभी को, तो उन बैंकों से भी पैसा यहाँ पर नहीं कट रहा है ग्रामीण बैंक का भी, जब कोई आधार कार्ड के जरिए पैसे निकालता होगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, आई थिंक कि आप लोगों को हेल्प मिला होगा जिससे आप लोग पैसे निकालने में आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो रही होगी। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई भी डाउट है आपको तो मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।